हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुका है। बिल्कुल फ्रेश अपडेट आया है, आज ही आया तो आपके लिए साथ ही साथ लेकर आ चुकी हूँ। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। सो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी, सारा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है और आप देख भी पा रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहाँ विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करें हैं इनकम टैक्स की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका ही लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल एंड फीमेल, आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकम टैक्स के जब भी वैकेंसीज आती हैं, इसमें आपकी जॉब लोकेशन भी अक्रॉस इंडिया ही रहती है। और ये जो वैकेंसीज आउट की गई हैं, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी, मतलब किसी भी कैटेगरी से कोई फ़ी या फिर कोई इंटीमेशन चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं, ना ही इसमें आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है। सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इन वैकेंसीज के लिए आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो इसमें आपकी 18,000 से 81,000 इन हैंड आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अप्लाई करना भी आज से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आउट की गई हैं। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है TA की आउट की गई है, मीन्स टैक्स असिस्टेंट की। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है मल्टी टास्किंग स्टाफ की आउट की गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसीज है जो आउट की गई है। 10th 12th ग्रेजुएट हर एक कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी है और क्या इसके लिए अदर एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात, अप्लाई किस तरीके से करना है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मैंने आपको इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट का ही प्रोवाइड किया है, आप उस पर क्लिक करना, एक नया इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक। पहला लिंक आपको मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, सेकंड आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट का। उस पर आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप देख पाएंगे। इसको आपको डाउनलोड करके अच्छे से फिल करके इनके गिवन एड्रेस पे सेंड करना है। आपको अपना नेम मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट किया है, कहाँ से पास आउट की है, इसी के साथ आपकी एज लिमिट क्या है, और आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपकी 3 मंथ से पुरानी ना हो वो अटैच जरूर करनी है साथ में। और साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपने अटैच करने, जैसे आपको अपना आईडी प्रूफ, उसकी जीरोक्स कॉपी, क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी साथ में ज़रूर से अटैच करनी है। इसी तरीके से अप्लाई करना है, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। अगर आप SBI क्लर्क, SBI PO या फिर IPS क्लर्क, IPS PO के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग पॉइंट है, जहां पर स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अलग अलग लैंग्वेजेस में। मीन्स कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स के लिए आपने अप्लाई किया है या कर रहे हो या उसकी प्रेपरेशन अभी कर रहे हो आप, उसको अगर आपने क्रैक करना है तो उसकी प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अनअकैडमी से बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कोई भी है, और वहाँ पर आपको इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आप उनका अगर प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तानिया TANYA। इसके अलावा आप एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपकी क्वेरी है। इसके अलावा हर अल्टरनेट संडे इनका बैंक कॉम्बैट रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। मॉर्निंग में 10
10 बजे रहता है, जो कि हर अल्टरनेट संडे आपका होगा। सारी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड है और जिसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जल्दी से जाकर आप उसके लिए एनरोल कर लीजिए। फिलहाल हम बात करिए इनकम टैक्स की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट पोस्ट की सैलरी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसमें आपकी 18,000 से 26,900 आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। तो एज अ फ्रेशर आपकी बहुत बढ़िया सैलरी आपको इसके लिए पे की जा रही है। इस पोस्ट के लिए भी मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट की है। इसके लिए सबसे पहले बात करें सैलरी की, तो आपकी 25,500 से 81,100 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें सेनोग्राफर की है। इसके लिए अगर सैलरी की बात करें 25,500 से 81,100 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो एग्ज़ाम आपका इसमें कोई भी नहीं होने वाला किसी भी टाइप का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर किया है। इसमें आपकी जो सिलेक्शन है ओनली आपकी इंटरव्यू बेस्ड होने वाली है, और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट फी की बात करें वो भी कोई नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। अब नेक्स्ट इसके लिए बात करते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले जो इसमें पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड बी की वैकेंसीज है। इसके लिए अगर आपने 12th पास की हुई है, रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन ग्रेजुएट कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट की है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आपने पास आउट की है, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसके लिए एक और एलिजिबिलिटी है जिसमें उन्होंने मेंशन किया, डेटा एंट्री स्पीड आपकी होनी चाहिए 8,000 की डिप्रेशंस पर आर के अकॉर्डिंगली अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। इसके लिए हर कोई एलिजिबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें 10th पास एलिजिबल है, 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करना आज से स्टार्ट हो चुका है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दिया है, नोटिफिकेशन का पहला लिंक आपको इसी का मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ ही अटैच किया हुआ है, आपको फिल करके इनके गिवन एड्रेस पे सेंड कर देना है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वैकेंसीज को लेकर या कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारी नई वैकेंसीज आई है हमारी ऑफिशियल साइट का, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।